रास्ता रोका। महागठबंधन की सरकार में आरजेडी का दबदबा, जेडीयू को मिल सकते हैं 10 मंत्री पद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को अर्पित की श्रद्धांजलि। पथराव के बाद से क्षेत्र में धारा 144 लागू, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी तमिनेनी कृष्णैया। पिछले एक हफ्ते से बरस रहा पानी, 40 से 50 प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं। पेट्रोल की कीमत 108.65 रुपए रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल का भाव 93.90 रुपए प्रति लीटर। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई गणमान्य लोगों ने उनकी समाधि स्थल सदैव अटल पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। देश में स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर देश में बड़ी धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस शुभ अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से ध्वजरोहण किया। इसके साथ ही प्रदेश में सीएम योगी ने भी विधानसभा पर ध्वजरोहण किया और प्रदेश में चारों तरफ आजादी का जश्न पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बुलाया गया था, उनके द्वारा यहाँ ध्वजारोहण कराया गया। सभी दो मंत्री जी ने तालाब देखा और तारीफ भी की, बोले बहुत अच्छा सरोवर तैयार किया है। तो घूमने के लोगों को व्यायाम के लिए जगह है, यहाँ पे आके सुबह लोग योगा करते हैं, जो लड़के वैसे हैं वो रनिंग वगैरह करते हैं यहाँ आके। राष्ट्र के स्वाभिमान का प्रतीक है, देश जग रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में देश विश्व के अंदर नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। खबर गोंडा से है, जहां नेपाल भारत मैत्री को मजबूत करने के लिए नेपाली युवक पद यात्रा निकाली गई। जानकारी के मुताबिक 6 अगस्त को नेपाल के वजीरगंज से चलकर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर युवक गोंडा पहुंचा है। इसके बाद युवक को बहराई सीतापुर के रास्ते दिल्ली संसद भवन तक सफर तय करना है। बिजनौर के एक गरीब परिवार को तिरंगा झंडा बांटने पर धमकी मिली। सिर कलम करने की धमकी भरा पत्र मिलने पर पूरा परिवार दहशत में है। जहां आजादी के अमृत महोत्सव में हर कोई जश्न में डूबा हुआ है, वहीं पुलिस प्रशासन ने परिवार के घर पर सुरक्षा मुहैया करा दी है। साथ ही अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की कई टीमों को जांच पड़ताल में लगा दिया गया है। कस्बा व थाना किरतपुर में एक व्यक्ति के घर पे पेन से लिखा हुआ एक कागज चिपका हुआ मिला, जिसमें उसको घर घर तिरंगा बांटने के संबंध में धमकी दी गई थी। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके घर पर यह पत्र चिपका था उसको पर्याप्त सुरक्षा मुहैया करा दी गई। बदायूं में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से बदायूं डिपो को 2 नई बसों की सौगात मिली। राज्य मंत्री संजय गंगवार ने बदायूं क्लब से लखनऊ के लिए झंडी दिखाकर रवाना किया। हाल ही में 2-3 दिनों पहले बदायूं को 2 नई बसें प्राप्त हुई थी। इन दोनों नई बसों को उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर
एक बस चौधरी बदन सिंह एक्सप्रेस सेवा के नाम पर और दूसरी बस कुंवर रुकुम सिंह एक्सप्रेस सेवा के नाम पर बदायूं लखनऊ संचालित की गई हैं, जिसका आज उद्घाटन कराया गया। यह बस सवेरे 6 बजे बदायूं से लखनऊ के लिए जाएगी और वहां से 2:30 बजे लखनऊ से ये वापस बदायूं के लिए आएगी। खबर मैनपुरी से है, जहां पर युवक ने अपने प्रेम का सबूत देने के लिए प्रेमिका के घर अपने हाथ की नस काट ली। तो ये प्रेमिका के परिवार वालों की ओर से पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। क्या मामला है? ये सर हमको कुछ मालूम ही नहीं, हम यहाँ घर पर रहते नहीं साहब, 2-4 दिन के लिए महीने भर में आते, पर हमको ये सर अभी तक कोई जानकारी नहीं है। तो हमने सर इसको सुखाबाद में भी नहीं देखा, ये सुखाबाद का नाम ले रहा, हमने उसको घर भी नहीं देखा। आप रिया के नाना है? जी सर। अच्छा, वो सनी बता रहा है कि उसके गर्दन पर जो निशान है चाकू का, वो उसकी रिया की मौसी ने करा है? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं कहीं पहुँचा, इसने खुद सर कल किया है। बुलेट भी हमने दीमान जी जो पहुँचे हैं 112 वाले, तो हमने कहा सर ये देखिए आप बुलेट पकड़ा, तो बुलेट उन्होंने उठाया फिर बोले कहीं फेंक दे। मैंने अपना हाथ अपने खुद काटा, ठीक है, और गर्दन पर बुलेट रिया की मौसी रश्मि ने मारा। अच्छा, क्या क्या मामला था? मामला ये था, मैं रिया से प्यार करता हूँ और रिया मुझसे प्यार करती है, बाकी मौसी ये करेगी तो उसे छोड़। हाँ, रिया से और उसकी खातिर मेरी मौसी से लड़ाई हुई, मौसी ये करी तुम मर के दिखाओ, नहीं अगर तुम असल बाप के हो तो मेरे घर पे आओ। मैं उनके घर पे गया कि तुम इसकी खातिर क्या कर सकते हो, मैं इसकी खातिर मर सकता हूँ। जनपद बरेली की नगर पंचायत फरीदपुर में आजादी का 75 साल पूरे होने पर आजादी का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चेयरमैन देवदत्त वर्मा चौकी इंचार्ज के साथ मिलकर सभासद गण ने ट्रैक्टर ट्रॉली मोटरसाइकिल और पैदल यात्रा निकाली। इसके साथ ही स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने भी पद यात्रा निकाली और हिंदू मुस्लिम लोगों ने मिलकर भाईचारे का संदेश भी दिया। उत्तर प्रदेश की खास खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।